6.1 बदलाव के विभिन्न पहलू। सन 1300 से सन 1750 के बीच ऐसी क्या बातें हुई, आइए हम पता करें आधुनिक युग का प्रारंभ कैसे हुआ। व्यापार और शहरीकरण। उस दौर में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व एशिया के बीच व्यापार में बहुत तेजी आई। विभिन्न देशों में भी व्यापार का विस्तार हुआ और तरह तरह के सामानों का आदान प्रदान होने लगा। व्यापार के विकास के साथ साथ तीनों महाद्वीपों में शहरीकरण बढ़ा, जिससे नए शहर बसे और पुराने शहरों का विस्तार हुआ। इसके कई परिणाम हुए, धनी व्यापारियों का वर्ग उभरा, देशों के बीच लोगों का आवागमन बढ़ा, जिससे विचारों का आदान प्रदान होने लगा। नए नए आविष्कार हुए और नई तकनीकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव हुआ। यूरोप व भारत के शहरों में एक महत्वपूर्ण अंतर था। यूरोप के कई शहर ऐसे थे जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त थी और वे राजाओं के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला सकते थे। शहर के व्यापारियों और कारीगरों के संगठन मिलकर शहरों के कामकाज संभालते थे। ऐसे शहरों में कुछ हद तक लोकतंत्र और गणतंत्र की भावनाएं विकसित हो पाई। ऐसे शहर थे जेनेवा और फ्लोरेंस, दोनों इटली में हैं, फ्लैंडर्स हॉलैंड में है आदि। भारत में सूरत, आगरा, विजयनगर जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ, लेकिन उन पर राजाओं या उनके सामंतों का वर्चस्व बना रहा। केंद्रीकृत राज्य। इस बीच इन देशों में शक्तिशाली राज्य बनने लगे। भारत में विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि बने। ईरान में सफविद साम्राज्य और तुर्की में ऑटोमान साम्राज्य बना। यूरोप में भी कई शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए, जिनमें फ्रांस, स्पेन व इंग्लैंड के अलावा इटली के कई छोटे राज्य भी शामिल थे। आमतौर पर इनके शासक बहुत महत्वाकांक्षी थे और वे राज्य के अंदर शक्ति का केंद्रीकरण कर रहे थे, अर्थात एक राजा या बादशाह के हाथों में सत्ता, अधिकार और धन इकट्ठा होने लगा। चूंकि इन राज्यों में आर्थिक और राजनैतिक शक्ति बादशाहों के हाथों में केंद्रित थी, इन्हें केंद्रीकृत राज्य कहते हैं। इस काल से पहले जमींदार, सामंत आदि स्वायत्त रूप में शासन चलाते थे, अब इनके अधिकार कम कर दिए गए या समाप्त कर दिए गए। शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। व्यापार और शहरों के विकास तथा केंद्रीकृत राज्य के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग उभर कर आया। इसमें व्यापारी, धनी कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर कलाकार, कवि, लेखक आदि सम्मिलित थे। शहरीकरण और राज्यों के विकास के कारण जो नए नए काम उभरे, जैसे हिसाब किताब रखना, प्रशासन, कर वसूली, न्यायालयीन काम, राज्यों के बीच दूत का काम आदि, उन्हें करने वाले लोग भी इस वर्ग में शामिल थे। इस नए मध्यम वर्ग के लोग लगातार आर्थिक तंगी में रहते थे और अच्छी नौकरी की खोज में दूर दराज के राज्यों में जाकर रहने के लिए तैयार होते थे। इस तरह बड़े क्षेत्र में विचरण करने के कारण यह वर्ग समालोचनात्मक दृष्टि रखता था और तत्कालीन धर्मगुरु या शासकों की आलोचना करने से कतराता नहीं था। इस मध्यम वर्ग के बनने में शिक्षा का बहुत महत्व था। उन्हें न केवल साक्षर होना जरूरी था, बल्कि अपने काम को प्रभावी तरीके से करने के लिए व्यापक साहित्यिक शिक्षा की जरूरत थी। यूरोप में यह शिक्षा ग्रीक और लैटिन भाषा के प्राचीन साहित्य के अध्ययन से और भारत में फारसी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के माध्यम से मिल सकती थी। रोचक बात तो यह थी कि कई प्राचीन रचनाएं, जैसे यूनान के अरस्तु और प्लेटो का साहित्य तथा भारत का पंचतंत्र व गणित के ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके पढ़े गए। भारत में मुगल काल में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि का अनुवाद अरबी व फारसी में किया गया। यूरोप और भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा, उनमें कई समानताओं के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। एक तो यह था कि भारत में यह वर्ग कुछ विशेष जातियों तक सीमित था, जैसे कायस्थ, क्षत्रिय या ब्राह्मण, जबकि यूरोप में इस वर्ग में विविध समूहों व वर्गों के लोग सम्मिलित हुए। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भारतीय मध्यम वर्ग ने गणित या विज्ञान के अध्ययन में रुचि कम दिखाई, जबकि यूरोप में इसे महत्वपूर्ण माना गया।